मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है। और मुझे आपकी आंखें। मेरी आंखों में तो तुम ही बसी हो। आप बहुत फ्लर्ट करते हो। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं फ्लर्ट नहीं करूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, पर हम अभी तो 5 दिन पहले ऑनलाइन कनेक्ट हुए हैं, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं हैं। मुझे तो आप इतने कम टाइम में मेरी लगने लगी हो, और प्यार टाइम देखकर थोड़ी ना किया जाता है। आरुषि, आरुषि तेरा बेस्टी रोहन आया है। हाँ हाँ मॉम। मम्मा बुला रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। पहले किस? बाय। क्या मतलब तुझे प्यार हो गया है? तू ना 16 साल की है, किसी रैंडम बंदे ने तुझे ऑनलाइन रिक्वेस्ट क्या भेज दी? पिछले 5 दिनों से तुम लोग सुबह शाम बातें क्या कर रहे हो? वो तेरे सपनों का राजकुमार बन गया? दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? स्ट्रेंजर डेंजर कभी सुना भी है या नहीं? उसके पिक्चर्स रियल भी है या नहीं? उसकी एज उतनी है या नहीं, तुझे कैसे पता? यार तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है या मेरी मॉम? तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी बेस्ट फ्रेंड को पहली बार प्यार हुआ। पड़ पड़ेगा एक प्यार करने वालों को जमाना मारता है। ओ जमाने। अब ये ड्रामे बंद कर, और मम्मी को सीरियसली कह रहा हूँ वो सुन, जो भी तेरा स्ट्रेंजर है उससे बातें करना बंद कर। उसके मैसेजेस देखे हैं मैंने, फिशी लग रहा है मुझे कुछ कुछ, पता है ना दुनिया में क्या क्या चल रहा है। पागल मत बन तू, इरिटेटिंग मत बन, देखना कितने क्यूट मैसेजेस सेंड करता है। दिखा? ये वाला देख। आई वांट यू टुडे, टुमारो, नेक्स्ट वीक एंड फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। छी, तू रहने दे। गूगल से कॉपी पेस्ट करके तुझे कोड्स भेज रहा है, ये है तुम्हारा लव। तू रहने दे ये स्टूपिडिटी। वक तू वक। स्ट्रेंजर डेंजर, स्ट्रेंजर डेंजर। तुम तो मुझे देख सकते हो, पर मैं तुम्हें नहीं देख पा रही हूँ। मेरा वीडियो कुछ प्रॉब्लम कर रहा है बेबी। वो एक्चुअली ना मेरा बेस्ट फ्रेंड रोहन भी कह रहा था, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम वही हो जिसके तुमने पिक्चर्स भेजे हैं या फिर? अगर तुम मुझ पे इतना भी ट्रस्ट नहीं कर सकती तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं नहीं, आई ट्रस्ट यू। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहता? एक काम करते हैं, लेट्स मीट। मिलना तो मैं भी चाहती हूँ तुमसे, बट मॉम अलाउ नहीं करेगी। ये मेरा तुम्हारा सीक्रेट है बेबी, इसमें मॉम कहाँ से आ गई? पर मैंने घर पे पहले कभी झूठ नहीं बोला है, ये पहली बार होगा कि मैं। अलाउ तो मेरी मॉम भी नहीं करेगी अगर मैं उन्हें कहूंगा कि मैं एक अननोन लड़की से मिलने जा रहा हूँ, पर तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो? और कुछ भी चाहिए क्या? मुझे तुम्हें बिना तुम्हारी टी शर्ट के देखना है। नहीं पागल। अरे प्लीज प्लीज बेबी प्लीज, जब मैं तुम्हें मिलूंगा ना तो मैं भी तुम्हें टी शर्ट उतार के दिखा दूं। प्लीज मेरे लिए माय लव। आरुषि।
But he loves me. He said he loves me, right? He loves me. क्या तू स्ट्रेंजर से मिलने जा रही है? वो भी अपने घर पर ये बोल के कि तू मेरे साथ मेरे घर पर है। चुप रहना यार, मॉम सुन लेगी। तो थोड़ी चप्पल और गालियां पड़ेगी, जो कि पढ़नी भी चाहिए। देख, तू ऐसा कुछ नहीं करने वाली है और मैं भी इन सब में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होने वाला हूँ। रोहन, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं? हमने बचपन से शूलिया साथ में बांधना सीखा है यार। तुझे जब क्रश होता है तो मैं भी तो तेरे क्यूपिड बनती हूँ कि नहीं? हेलो, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन तुझे भी पता है मुझे सिर्फ एक बार क्रश हुआ है, वो भी न्यू गर्ल इन द स्कूल से। और क्यूपिड बनी थी, उसमें भी पोपट हो गया था। तो तू उससे अपने दिल की बात नहीं कह पाया, तो मेरा पोपट करने पे क्यों तुला हुआ है? अरुषि, बात पोपट होने की नहीं है, यशविनी हमारे स्कूल में पढ़ती है, स्ट्रेंजर नहीं है वो। तू बार बार से स्ट्रेंजर बुलाना बंद करेगा? नाम है उसका अमित। Are you sure? आधार कार्ड चेक किया तूने उसका? आधार कार्ड तो उसने भी नहीं चेक किया मेरा, तो टेक्निकली तो उसे भी डर लगना चाहिए। ठीक, मैं कुछ नहीं सुन रहा हूँ। ये तेरे टीन हॉर्मोन्स तेरे बॉडी में और तेरे दिमाग में ना हलचल कर रहे हैं, इसके लिए तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तेरी मॉम से कुछ झूठ नहीं बोलने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के बाद मैं भी तेरे साथ कुछ भी शेयर नहीं करूंगी। तू भी बस बाकी के लोगों की तरह ही निकला ना, जज कर रहा है। बेस्ट फ्रेंड है, मैं कभी नहीं चाहूंगा तू मुझसे कुछ छुपाए, लेकिन तेरे बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि तुझे समझाऊं जब तू गलत हो। तो मेरा बेस्ट फ्रेंड होने के नाते तेरा ये फर्ज नहीं है कि तू मुझे सपोर्ट करे? पर प्लीज प्लीज तेरे घर का बहाना देके जाने दे प्लीज। देख, मैं तेरे साथ सारी डिटेल शेयर करूंगी और आके भी सब कुछ बताऊंगी, प्रॉमिस। बताएगी सब, कब जा रही है, कहां जा रही है, कितने बजे जा रही है, सब सब कुछ, प्रॉमिस। और हाँ, एक और चीज प्रॉमिस कर, तू उसे किसी भी पब्लिक प्लेस में मिलेगी, किसी अननोन लोकेशन या किसी के घर पे नहीं। हाँ, प्रॉमिस। मजे कर। थैंक यू, थैंक यू। आरुषि, तू तो रोहन के यहाँ पढ़ाई करने जा रही है ना, तो इसमें ये नई वाली आउटफिट क्यों? हाँ मॉम, वो एक्चुअली वहाँ यशविनी भी आने वाली है ना, वो तो हमेशा ही नया आउटफिट पहनती है, तो मैंने सोचा आज मैं भी। तो कब से झूठ बोलने लगी? रोहन यही है, उसने मुझे सब बता दिया है। उसे मुझे कहा कि तुम दोनों अलंकृता की पार्टी में जा रहे हो। हाँ माँ, हाँ। बेटा, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम्हारे माँ बाप किसी चीज से तुम्हें रोकते हैं तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होती होगी ना। देख, अगर तू कुछ गलत कर ही नहीं रही है तो फिर झूठ क्यों बोलना? चल, मुझे प्रॉमिस कर, आज के बाद तू कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। प्रॉमिस कर। दैट्स माय गर्ल। हाउ कैन यू डू दिस? मैंने क्या किया? तुमने कहा था तुम मुझे सारी डिटेल्स देगी, अब मुझे डिटेल्स नहीं मिले, मैंने सोचा मैं ही डिटेल्स ले आऊं। तू मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता? मैं उस स्ट्रेंजर पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ। लगाना बंद कर, चुड़ैल लग रही है। Don't talk to me, mister. लड़ाई हम कल से कर लेंगे, लेकिन आज मैं तुझे अकेले नहीं जाने दे रहा। Oh, hello. मैं तुझे लेके कहीं नहीं जा रही। तेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं आ रहा हूँ तेरे साथ। अरे यशविनी, आरुषि
भैया प्लीज थोड़ा जल्दी। बस यहीं पर रुका दीजिए। ये लो दादा। हेलो। हेलो, तुम्हें व्हाइट होंडा दिख रही है? हाँ दिख रही है। मैं उसी में हूँ, जल्दी आ जाओ, वेट कर रहा हूँ। ओके। मैं वही हूँ जिससे मिलने तुम यहाँ आई हो। प्लीज प्लीज कुछ जाने दीजिए। बस थोड़ी देर की बात है, तो जहाँ जाना हो चले जाना। थैंक्स। आज अगर तू नहीं होता तो ऐसे नहीं होता आरुषि, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ। देख आजकल हम रियल लाइफ में कम और रियल लाइफ में ज़्यादा कनेक्टेड हैं। यानी हम कितने ऑनलाइन स्ट्रेंजर्स से मिलते हैं, कितने लोगों से बातें करते हैं, उन्हें अपने सीक्रेट्स बताते हैं, दोस्ती प्यार हम सब ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग रियल और सच्चे भी होंगे, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में आरुषि। पहली बार तो हमें इन सिचुएशंस में पढ़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ करने का सोचो तो अपने घर वालों, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन किसी को तो बता के जाओ कि कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो। इतना तो घर वालों को पता होना चाहिए। तो मैंने तुझे फॉलो किया आरुषि। नहीं किया होता तो मैं जानता हूँ आरुषि तुझे कितना बुरा लग रहा होगा। ये बोलने की जरूरत भी नहीं है मुझे, बट आई होप You learnt your lesson. मैंने तो अपना सबक सीख लिया। पुरुन जैसे लड़कों का क्या? उन्हें कौन सबक सिखाएगा? अपना फोन देना। तू क्या कर रहा है? तुझे तो पता है मेरे चाचा पुलिस में है। चला जा, ज्यादा स्ट्रेस ना ले, जो होना था हो गया, तुझे सीख मिलनी थी मिल गई, अब उसकी बारी है। No one messes with my best friend, समझी? चला भज दे। Stranger danger से दूर रहे और कंटेंट का कीड़ा के पास। कितनी मेहनत लगती है शॉर्ट फिल्म्स बनाने में? बहुत सारी। राइटिंग, प्री प्रोडक्शन, शूटिंग, एडिटिंग, म्यूजिक, सबटाइटल्स, अपलोडिंग, प्रमोशन, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। और अगर आपको लाल सब्सक्राइब वाला बटन दबा दे और उसके साथ वो घंटी वाला बटन, तो आप सबको नोटिफिकेशन आ जाएंगे जब कॉन्टेंट का कीड़ा पर कोई नई शॉर्ट फिल्म अपलोड होगी। तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। 1 मिलियन सून। प्लीज प्लीज।